हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब पर डोरेमोन कार्टून की वीडियो अपलोड करके यूट्यूब से महीने के लाखों रुपए अर्न करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, कैसे उसमें एडिटिंग करूं, कैसे उसे यूट्यूब पर अपलोड करूं जिससे मेरी वीडियो के ऊपर ना तो कोई कॉपीराइट क्लेम आए ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यूज़ करेंगे सही तरीके से तो आपकी वीडियो में कोई भी ना तो कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, और आप अपनी वीडियो को यूट्यूब पर, जो आपके डोरेमोन कार्टून की वीडियो है उसे आप यूट्यूब पर अपलोड करके यूट्यूब से महीने के लाखों रुपए अर्न कर पाएंगे। मैं सब कुछ आपको इसमें डिटेल में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, हमें क्या करना है, हम सबसे पहले YouTube की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोरेमोन जो कार्टून्स हैं उन पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनकी वीडियोज़ पर। तो यहाँ पर हमें सर्च बार में सबसे पहले टाइप करना है डोरेमोन कार्टून, ठीक है। मैं ये लिख के सर्च करूंगा और आपसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने कितनी सारी वीडियो आ गई डोरेमोन कार्टून की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पर डोरेमोन कार्टून वीडियोस का कोई अभी ऑफिशियल चैनल नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम लोगों ने ही इसकी वीडियोज़ यहाँ पर डाली हुई है, और उनकी वीडियोज़ पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 5 महीने पहले डाली है ये वीडियो और इस पर 7,59,000 व्यूज़ आए हैं। उसके बाद इन्होंने ये 6 दिन पहले डाली है और इस पे 8,43,000 व्यूज़ आ चुके हैं 6 दिन पहले। ये 3 महीने पहले 1,39,000 व्यूज़, इसमें 12 दिन पहले 5,11,000 व्यूज़, और इसमें 8 महीने पहले 23,188 के, 9 दिन पहले 241 के, 1.2 मिलियन 9 महीने पहले डाली है इन्होंने, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा व्यूज़ इनकी वीडियोज़ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं कोई भी एक चैनल आपको ओपन भी करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ वाले सेक्शन में मैं जाऊं, देख सकते हैं आप इनके पहले तो सब्सक्राइबर 1.25 के हैं और 5 ही वीडियो डाली हैं इन्होंने, ठीक है, जिसमें से इनकी एक वीडियो जो डोरेमोन वाली है, सारी डोरेमोन की ही डाली हैं, लेकिन इनकी एक वीडियो में 12 दिन पहले डाली थी इन्होंने, 511 के व्यूज़ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इस तरीके की वीडियोस कैसे बना सकता हूँ, कैसे उन्हें यूट्यूब पर डालकर महीने के लाखों रुपये अर्न कर सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये वीडियोज़ कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आपको ये वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी आपको वो मैं बता देता हूँ। मैं आपको 2 तरीके यहाँ पर बताऊँगा, दोनों तरीके से आप वीडियोज़ ले सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है, होम पेज पे आ जाएंगे यूट्यूब के, और यहाँ पे दोबारा सर्च करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे डोरेमोन कार्टून, ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमें क्रिएटिव कॉमेंट्स जो फीचर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ से आप अगर कोई भी वीडियो लेंगे तो आपकी वीडियो में ना तो कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो ले सकते हैं, और यहाँ से वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ होता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपको वीडियो कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है और हमें जाना है क्रोम के अंदर। तो हम क्रोम ओपन कर लेते हैं, क्रोम में हमें गूगल हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डोरेमोन वीडियो नो कॉपीराइट, ठीक है, ये लिखेंगे हम। उसके बाद सर्च करेंगे इसको गूगल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपके सामने एक साइट आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगी soundship.com, ठीक है। इस साइट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारे एपिसोड मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दुनिया भर के डोरेमोन के एपिसोड मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके,
आप यहाँ से जितनी मर्ज़ी चाहें वीडियोस वो यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है, अपने एपिसोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप जैसे मैं फर्स्ट वीडियो है ये, ठीक है, एक ये वीडियो है, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी वीडियोस हैं आपके सामने ही हैं यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है। तो आप यहाँ से जौन सा चाहें, जो वीडियो चाहें वो वीडियो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर वाली वीडियो ही करके दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको, जो ये रेड में दिखाई दे रहा है, जो इसका टाइटल है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड डोरेमोन इन हिंदी क्या नोबिता सबकी, ठीक है। यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। तो हमें इस वीडियो पे क्लिक करके रखना है और ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और हमें इसे अपने गैलरी के अंदर यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर इसे सेव कर लेना है। तो ये 2 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी और इसके डाउनलोड होने के बाद अब आपको एक एडिटिंग एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम काइनमास्टर से बेस्ट एप्लीकेशन मुझे तो नहीं लगी कोई, तो मैं इसके बाद जैसे ये डाउनलोड होती है फिर हम काइनमास्टर एप्लीकेशन जो है उसको ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम होम पेज पर आ जाएंगे और अब हमें क्या करना है, हमें काइनमास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं जल्दी से काइनमास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे काइनमास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और मैं इसकी होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें सिंपल प्लस वाला जो ये आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें यूट्यूब वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करना है जो 16:9 होता है। तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद हम यहाँ पे मीडिया में जाके हमने जो वीडियो सेव करी थी उस वीडियो का हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं इस मीडिया पे क्लिक करके जल्दी से यहाँ पे वो वीडियो इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 10 मिनट 46 सेकंड की ये वीडियो है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, हम यहाँ पर सबसे आगे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसकी जो आवाज़ है साउंड वाले पे जाके इसको ज़ीरो कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर आपको देख सकते हैं यहाँ पे टॉप राइट में आपको इसका जो वो लोगो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसे हमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इसे पैन एंड जूम करना है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कैची के साथ में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे, हमें इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये पैन एंड जूम कैसे करेंगे, इसकी स्क्रीन को पकड़ के हमें बड़ा कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वो लोगो हट गया और यहाँ से ये बराबर वाले साइन पे क्लिक करके इसे डन कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लोगो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडिटिंग कर देनी है। और इसमें अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई टाइटल आप लिखना चाहें स्टार्टिंग में तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूँ एपिसोड, ठीक है, एपिसोड नंबर 1, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं पकड़ के बड़ा कर लेता हूँ, तो ये एपिसोड नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं या फिर इसे ऊपर यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है इसको बैकग्राउंड साइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे इसे हम, तो बैकग्राउंड कलर में आप इसे अनेबल करेंगे तो ये बैकग्राउंड अनेबल हो गया। और यहाँ से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ग्रीन हो गया या येलो हो गया, या मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे येलो कर लिया मैंने, ठीक है, येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर फुल विड्थ बैकग्राउंड इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये पूरे पेज पर हो गया, ठीक है। इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं हम इसे डन कर देंगे, येलो कर दिया मैंने बैक साइड में, ठीक है, और इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें ये वाला येलो अच्छा नहीं लग रहा तो हम कोई और येलो कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। उसके बाद डन कर देंगे हम, हमें ये जो फंट है इसका कलर चेंज करना है, तो ये कलर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ये वाइट कलर जो है इस पर क्लिक करके इसे ब्लैक कर देंगे,
ठीक है, ये ब्लैक कलर में हो गया। उसके बाद हमें ये फंड स्टाइल अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो AA लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक कोई भी फंड ले लेंगे, जैसे मैं रोबोटो बोल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कलर आ गया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से, और हम अब इसे पकड़ के अपनी पूरी वीडियो में कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारी वीडियो है हम वहाँ तक इसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं पूरी वीडियो में कर देता हूँ, तो आप पूरी वीडियो में से खींच के कर देना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ इतना छोटा रखना है तो इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, तो ये देखने में अब और अच्छा लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे एपिसोड नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आप जितना आगे तक लेके जाना चाहें इसे वहाँ तक लेके जा सकते हैं, और इसका जो भी आप फंड चेंज करना चाहें वो भी मैंने आपको बता दिया। अब भी इसमें एक चीज़ की और अभी एडिटिंग रह गई है जो बहुत आपको समझने वाली है। अब इसमें आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना पड़ेगा, तो अब आपको इसमें नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ऐड करना पड़ेगा। और नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक आपको कहाँ से मिलेगा, आप यूट्यूब से ले सकते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक। ठीक है, तो वो आपको इसमें ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे सबसे आगे आ जाना है, और यहाँ पे आपको ऑडियो का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल इस ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी म्यूज़िक आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे नॉन कॉपीराइट वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और सिंपल आपको उसे सिलेक्ट करके इस वीडियो के अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर जो आपको एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो टॉप राइट में, आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, HD रेजोल्यूशन में। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने चैनल पे जाके उस वीडियो को अपलोड कर लेंगे। इस तरीके से आपको अपनी जो भी डोरेमोन कार्टून की वीडियोज़ हैं वो आपको इस तरीके से बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड करनी है, और आप खुद देखेंगे कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ तो लाखों में आएंगे ही, और आप अपनी यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।